नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। संसद के शीतकालीन सत्र की तैयारियां जोरों शोर पर हैं। अगले साल की शुरुआत में 5 अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस सत्र में मोदी सरकार कई जरूरी बिल ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू होगा, जो कि 23 दिसंबर तक चलेगा। इसकी रूपरेखा संसद सचिवालय में तैयार की जा रही है, लेकिन अभी सत्र की तारीख की पुष्टि नहीं की गई है। पिछले सत्र की तरह इस बार भी कोरोना की चुनौती बनी रहेगी। सूत्रों ने बताया कि इस सत्र में करीब 20 बैठकें होने की उम्मीद है। अभी तक के प्लान के मुताबिक सत्र पूरा चलेगा, क्योंकि इस साल कोरोना के चलते बजट और मानसून सत्र में कटौती की गई थी। वहीं दोनों सदनों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एक साथ चलाए जाने की तैयारी है। आम जनता दोनों सदनों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण हाल ही में लॉन्च हुए संसद टीवी पर देख सकती है। वहीं सत्र में शामिल होने वाले सदस्यों के लिए कोविड वैक्सीन की अनिवार्यता रखी जाएगी। अगर किसी ने वैक्सीन नहीं ली है तो उसका RT-PCR टेस्ट होगा। दूसरी ओर शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए तैयार है। मौजूदा वक्त में महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम, किसान आंदोलन जैसे मुद्दे लगातार उठ रहे हैं। ऐसे में जैसे ही सत्र शुरू होगा, विपक्ष वहां सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी। इसके अलावा किसान संगठन लगातार मोदी सरकार से शीतकालीन सत्र में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार बैकफुट पर आने के मूड में नज़र नहीं आ रही है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ातरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।